लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार को सीरियल पेजर ब्लास्ट से कई लोगों की मौत हुई जबकि हजारों लोग घायल हो गए। इस ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन इसराइल ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर अब दावा किया जा रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ब्लास्ट की प्लानिंग करीब 5 महीने पहले ही कर दी थी। बताया जा रहा है कि मोसाद ने 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोटक फिट कर दिया था। बता दें कि एक वरिष्ठ लेबनानी सुरक्षा सूत्र का कहना है कि हिजबुल्ला ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो द्वारा बनाए गए 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था जिसके बाद कहा जा रहा है कि ताइवानी कंपनी के साथ मिलकर मोसाद ने ये खेल रचा है। जानकारी मिली है कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड इंजेक्ट किया जिसमें विस्फोटक सामग्री होती है जो एक कोड प्राप्त करती है। इसे किसी भी माध्यम से पता लगाना बहुत मुश्किल है, किसी भी डिवाइस या स्कैनर से भी इसे पता नहीं लगाया जा सकता। वही आपको बता दें कि पेजर धमाके लेबनान में स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे और भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल द्वारा हैक किए जाने के बाद पेजर देश के विभिन्न भागों में फट गए। ज्यादा जानकारी के लिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पेजर होता क्या है। दरअसल पेजर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज या अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है। पेजर धमाकों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से इसका इस्तेमाल रोकने का आग्रह किया है क्योंकि लेबनान में हजारों पेजर फट गए हैं जिसमें 9 लोग मारे गए और लगभग 3000 अन्य घायल हो गए। मारे गए लोगों में हिजबुल्ला के लड़ाके और बेरूत में ईरान के दूत शामिल थे जिसके बाद वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है लेकिन इसराइल की तरफ से अभी कोई भी बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।